एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे ये जो डिफेंस है सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे भर्ती करवाने के नाम पे एक पैसा नहीं लिया जाता, जो पैसा लिया जाता है वो यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ के खाने पीने के लिए इतना ही लिया जाता है। अरे डाइट मेन्यू सुबह से लेके शाम तक खिलाते हैं भैया, और जो डिफेंस वाले नहीं खिलाते वो ध्यान कर ले, राजस्थान के बच्चे ले नहीं रहा, अगर इनको खिलाने पिलाने का सिस्टम अगर ढंग से नहीं चलाया तुमने तो आने वाले वक्त में क्या होगा। रे गांव में मेरी 50 बीघा जमीन है, पूरी 50 बीघा जमीन पे एक एक झोपड़ी बनाऊंगा, एक झोपड़ी में 10-10, 20-20 बंदे रखूंगा, तो सोच लेना। राजस्थान की जमीन की डिफेंस है, कान खोल के सुन लो, पैसा लेते हो ईमानदारी से हिसाब दो, जीएसटी भरो, बच्चों से लियो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी भरो, स्पेशल डाइट रखो, मीट की जरूरत है तो वो भी खिलाओ, मैं खिलाता हूँ। सोया मत खिलाओ, सोए की जगह सोया, सोयाबीन और चनों के बीज, सही है रे। दलिया खिलाओ और दूध बिना एक बूंद पानी डाले, वो भी गाय का, यहाँ मिलता है नहीं मिलता रे। दाल चावल खिलाओ, दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए, 5 प्रकार की दाल मिक्स करके, रोटी भी साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा शाम को चाय बच्चे पीते हैं तो चाय पिलाओ, शिकंजी पीते हैं तो शिकंजी पिलाओ, अरे शाम को हरी सब्जी रोटी और दूध, एक टाइम यहाँ दूध दे रहे हो, एक टाइम पोया दे रहे हो, दाल रोटी खिला रहे हो, बच्चे खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब कई कमेंट आते हैं डिफेंस वाले मुझे, आपके बच्चों की दौड़ का क्या राज है। अच्छा यार हमारे बच्चे तो नहीं आते इतने जल्दी दौड़ में, क्या पिला दिया 2 दिन में भाई, पिलाया नहीं ईमानदारी से खिलाया है। और बात रही साबुन तेल की, तो यार एक डिफेंस है जयपुर में जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली है, उन भाई साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया, पहाड़ों पे चढ़ाया। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था मुझे पता नहीं था क्रॉस कंट्री क्या होता है, डिफेंस से आज भी क्रॉस कंट्री नहीं करवाती, मैं अपनी रिस्क पे क्रॉस कंट्री सबसे करवाता हूँ। एसआई खड़ा, पहले दिन आया था इसको 12 किलोमीटर दौड़ाया मैंने, 2 किलोमीटर बोल के 16 किलोमीटर तुम्हें दौड़ाता हूँ, नहीं दौड़ाता। क्रॉस कंट्री चालू कर दो शनिवार को, लेकिन तुम्हें पता रहता है बंदे को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, क्रॉस कंट्री में सब कुछ बाहर आ जाएगा, सही है यार, ईमानदारी से लो। अगर तुम्हें पैसा ही लेना तो बोल दो भर्ती करवाने के बाद में 60,000 लूंगा, जब तक तेरी डाइट के पैसे 6,000, 7,000, 10,000 जो भी है मुझे दे वही लूंगा चार्ज। और भर्ती करवाने के बाद में यार 2,60,000, 3,00,000 ये क्या लगा रखा है बचत, आप पेमेंट करने के बाद भी इतना पैसा आराम से बच सकता है। आप 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 1,50,000 रुपए आराम से 6,000 रुपए फीस लेके, 7,000 लेके भी बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते रे? ये बात अलग है, अगर गाड़ी 24 घंटे ही ऑन करके रखो, एसी में रहो तो नहीं बचते। चलते हुए कभी अनाउंस कर दो कि आज रसगुल्लों की बौछार है, आज उसकी बौछार है, तब हो सकता है थोड़े कम बच जाए। ऐसा है बच्चे 1.5 महीने में 150 बच्चे हैं, अगर खाने पीने के बारे में किसी भी डिफेंस के बच्चे ने एक भी कमेंट कर दिया कि हमारी डिफेंस में खाना अच्छा नहीं मिलता, उन्हें मैं निमंत्रण दूंगा यहाँ आके रहिए। अभी फिलहाल मैंने बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि आपकी बिल्डिंगें हैं, आपने भी लोन ले रखा है। अगर मैंने आज ही बोल दिया, राजस्थान से बहुत कॉल आते हैं, सबको यही बोलते हैं भैया सीटें फुल है, लेकिन अगर खाने पीने का माहौल नहीं सुधारा आप लोगों ने, केले टाइम पे नहीं दिए, दूध टाइम पे नहीं दिया, तो आने वाले दिनों के अंदर इस डिफेंस में आउट ऑफ राजस्थान से कम, और राजस्थान से कितने होंगे रे, 3500 एडमिशन है, किसी के कान के पर्दे बंद हो तो सुन लेना, 3500 एडमिशन है राजस्थान का, 1-3 मिनट का वीडियो लगेगा मेरा राजस्थान का, डिफेंस से खाली होने से बच जाएगी। अभी मैं पता है सबने लोन ले रखा है इसलिए आराम से चुकाओ, 2 साल है, 2 साल में या तो डिफेंस होगी दशा सुधार लो या फिर मैं दिशा सुधार दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।